हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। और आज से हम हमारा बल्साम और रेजिनॉइड्स का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एंड रेजिन्स। तो एक दो बातें पहले समझते हैं कि बल्साम और रेजिन्स सबसे पहले इस्तेमाल करते क्यों हैं। हम बत्ती वाले भाइयों के लिए बता रहा हूं, बल्साम और रेजिन हम इस्तेमाल करते क्यों है। सबसे पहली बात करते हैं पावर के लिए। एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन, वरना तो तीनों क्लासेस में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ हम रेजिन और रेजिन की एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें तो बल्साम और रेजिन क्यों कोई भी परफ्यूम कंपाउंड में इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इनसे बढ़िया बेस नोट कोई दूसरी नहीं होती। पावर, आपने समझा कैसी पावर? जैसे कि आप किसी चीज को कंटिन्यूअसली पुश कर रहे हैं। एक तो हो गया, देखिए, एक तो हो गया जैसे कि मैंने मेरे इस हाथ से इस हाथ पे ऐसे पंच किया। दूसरा हो गया कि मैं इस हाथ से इसको धक्का दे रहा हूं, पूरा प्रेशर लगाकर लंबा धक्का दे रहा हूं। आपने समझा इंपैक्ट और स्ट्रेंथ का फर्क, समझिए इसको, क्योंकि बगैर उसके ये टॉपिक के अंदर फिर जाना बेकार होगा। इंपैक्ट और स्ट्रेंथ किस चीज को कहते हैं? स्ट्रेंथ वाली चीजें हमारी यहां पे आ गई। जिस चीज को धक्का देकर आगे तक लेके जाने वाली चीज जो होती है पूरी पावर से, एक तो हो गया इंपैक्ट, सिर्फ इंपैक्ट हुआ, और दूसरी चीज हो गई धक्का देकर उखाड़ने वाली या धक्का देकर पुश करने वाली, वो बात हो जाती है। तो स्ट्रेंथ वाला काम ये चीजें करती है, इंपैक्ट वाला काम दूसरी चीजें करती है। लेकिन खास तौर पर आपको एक चीज की कभी कमी होगी नहीं, डिफ्यूजन में, खुशबू के जलने में, पावर में, क्योंकि इनसे बढ़िया बेस मैन्युफैक्चरर्स के लिए, बत्ती वालों के लिए बता रहा हूं, डुबा कर निकालने वाले उनके लिए शायद इन चीजों का ज्यादा मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन जो प्रॉपरली पुराने जमाने से जो बत्तियां बनती है, हमारे यहाँ एक बत्ती आती है बहुत पुरानी, ब्राउन कलर की होती है, शायद साइकिल वालों का ब्रांड है वो, ब्राउन कलर की बत्ती आती है, विद्यार्थी कुछ इस टाइप की बत्ती, ब्राउन कलर का होती है सारी। उसमें अल्डाइड C12 का इतनी प्यारी तरीके से इस्तेमाल किया गया, बहुत बढ़िया। तो बताना यही है कि बल्साम और रेजिन, वरना कोई इतनी पावरफुल चीज, आप इंडस्ट्री से होंगे तो ये तो C12 तो जानते होंगे कि अल्डाइड C12 किस चीज को बोलते हैं। इतनी पावरफुल मटेरियल शायद ही हमारी मॉडर्न परफ्यूमरी में बहुत कम मटेरियल है इतने पावरफुल। तो अगर अल्डाहाइड C12 हो गया, वाई नॉट, वरना कोई दूसरी आपको रेजिन और बल्साम के अलावा स्ट्रेंथ जब लानी हो तो दूसरी चीज नहीं मिलेगी। अब दोस्तों यहां से एक और चीज जल्दी जल्दी से हम समझ जाते हैं। बत्ती और रेजिन वाले, मतलब अगरबत्ती या जलने वाली कोई भी चीज वाले मैन्युफैक्चरर्स, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें, उनको एक चीज की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि चीज कंटिन्यूअसली जल रही है, राइट? थोड़ा सा समझ जाए, जब चीज कंटिन्यूअसली जल रही है उसमें जलने वाली, जैसे कि कोयला हो गया और लकड़ी भी हो गई, वुड,
ये दो चीज़ें कंटिन्यूसली जल रही हैं तो आपको बस सिर्फ अच्छी सी जलने वाली जो चीज़ें, जैसे कि पाउडर हुए, हमने पाउडर्स का कोर्स खास तौर पे आपके लिए पुराना लिया था, और हुए बल्साम्स और लेजर, ये कॉम्बिनेशन एक बार बढ़िया बैठ जाएगा तो बहुत कमाल का बनेगा। और वही रेजिन्स की अब बात शुरू करते हैं, पहले आज की क्लास में क्लासिकल रेजिन्स की, जल्दी जल्दी से जो मार्केट में आपको बहुत सस्ते में मिलेंगे। सस्ते में मतलब आपको पता करना पड़ेगा, 10 किलो में आपको शायद इतने सस्ते में मिले कि आप सोच नहीं सकते। वो कौन सी चीज़ें? रेजिनॉइड्स में लैबडानम, लैबडानम एक आप कह सकते हैं कि अजूबे वाला काम। अभी तो ओकमोस तो अभी बंद हो गई, बत्ती वालों के लिए मिलती है मार्केट में, लेकिन लैबडानम एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि उसका एक एनिमेलिक प्लस वार्म कैरेक्टर होता है। एनिमेलिक कैरेक्टर तो होता ही है, अतर वाले भाई खास तौर पर लैबडानम के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से कितना एनिमेलिक कैरेक्टर, और उसमें जब आप फूजर मटेरियल्स यानी कि किसी भी किस्म के सिट्रस मटेरियल्स, किसी भी किस्म की बर्गमॉट या ये चीज़ें इस चीज़ के साथ, या लैबडानम कोई भी ओरिएंटल में आपको बहुत ही एनिमेलिक और वार्म अफेक्ट लेके आएगा। तो लैबडानम पहला हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों ओलिबानम। ओलिबानम की ओरिजिनल क्वालिटी मेडिसिनल होती है, ओरिजिनल क्वालिटी जो ओलिबानम की एक्चुअल क्वालिटी है वो मेडिसिनल, और इंसेंस, इंसेंस की जब बात आती है तो वहाँ पे ये एक मटेरियल बल्साम या रेजिनॉइड आप बोल सकते हैं कि ऐसा हो जाता है कि बहुत अलग तरीके से शाइन करता। और सिर्फ इन मटेरियल्स की दूसरी क्या खास बात है कि ये पावर तो वैसे भी देंगी परफ्यूम को और आपकी बत्ती को, पावर तो वैसे भी देंगी, और ये इतनी कम क्वांटिटीज में जाती हैं, तो ये दो प्लीज़ याद रखिए अगर आप बत्ती की इंडस्ट्री से कनेक्टेड होता। नहीं भी जुड़ रहा, ओलिबानम इतनी कम क्वांटिटीज़ में जादू का काम, ऊद का। आप जब बात ऊद की आ जाती है जलने वाली चीज़ों में, तो ये चीज़ याद रखिए मेरी। इसके साथ दूसरी चीज़ें मिलानी पड़ेंगी, इसके साथ ये बहुत कम क्वांटिटी में, अगर ये 1 ग्राम लिए तो आपको दूसरी चीज़ें, जोश पाउडर, दूसरी मस्क, ये बहुत ज़्यादा 5-5 ग्राम लेनी पड़ेंगी, 5-5 ग्राम ये अगर आपने 1 ग्राम इस्तेमाल किया तो। लेकिन इसने ये मटेरियल वो रिचनेस लेके आता है, एक मेडिसिनल क्वालिटी ऊद की जो होती है, जो हवा में फैलती है, ये मटेरियल वो काम करता है। तो जाएगा तो बहुत कम क्वांटिटीज़ में, दूसरी मस्के, जोश पाउडर, दूसरी चीज़ें, खुशबू दूसरी, लेकिन इतनी कम क्वांटिटीज़ में ये जादू का काम, इंसेंस और ऊद की शक्ल आपको चीज में दे रहा हो जाए। और पुरानी दो क्लासिकल चीज़ें जो लोग अपने अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, समरानी की इंडस्ट्री में ज़्यादा चलती है, बेंजोइन और स्टायरैक्स। तो नंबर 3 हो गया बेंजोइन, और नंबर 4 हो गया स्टायरैक्स। ठीक है, तो दोस्तों बेंजोइन का कैरेक्टर एक बहुत ही मस्की होता है, मस्कमेलन, मस्कमेलन आपने समझा, खरबूजा जिसे कहते हैं मस्कमेलन। बेंजोइन का इंटरनल कैरेक्टर जो होता है वो मस्कमेलन जैसा होता है, तो इसको, बेंजोइन को हमेशा इस्तेमाल करते हैं अंबर का रूप देने के लिए। कैसे?
बेंजोइन का कॉम्बिनेशन लैबडानम के साथ, बेंजोइन और लैबडानम का कॉम्बिनेशन इन दो कॉम्बिनेशंस के साथ जब आप वनिला मिलाते हो या इथाइल वैनिलिन बोल सकते हो, इसमें फिर थोड़ी सी टॉप नोट क्लोव ऑयल, बहुत बहुत कम क्वांटिटी में क्लोव ऑयल भी मिला, ये आपका बनता है जो हम मॉडर्न अंबर का रूप किसी चीज में देते हैं। थोड़ा सा बर्गमॉट भी डाल दीजिए टॉप में, बहुत कम क्वांटिटीज में, मतलब बहुत ही कम, सिर्फ इसकी टॉप नोट थोड़ी निकालने के लिए मैं बता, ये क्लोव ऑयल और बर्गमॉट, ये कम क्वांटिटीज में, और ये लैबडानम वैसे भी कम जाएगा, बेंजोइन अच्छा खासा जाएगा ईवी का बेस में, मिलाकर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा अंबर मिले बनेगा आपका। तो बेंजोइन उस चीज़ का होता है, उसका इंटरनल कैरेक्टर एक मस्की सा होता है, खरबूजे के जैसे, और दूसरी बेंजोइन की जो चीज़ मार्केट में मिलती है वो है स्टायरेक्स। जो टॉम फोर्ड की टस्कन लेदर थी, आपने सुना होगा टॉम फोर्ड की टस्कन लेदर, उसका पता नहीं मैंने कोर्स डाला नहीं डाला अभी, टस्कन लेदर का बेस इसमें बनाया गया था दोस्तों, स्टायरेक्स में, और इस मटेरियल का जादू कारीगर के हाथ में, जब कारीगर ऐसे मटेरियल्स के साथ खेल सकता है तो ये एक मटेरियल आपको संदल का भी इफेक्ट देगा, आपको कई इफेक्ट्स देगा ये, इसको थोड़ा सा आप एक डायरेक्शन में मोड़ दें तो अंबर का इफेक्ट देगा, लेदर का इफेक्ट देगा, टस्कन लेदर का बेस स्टायरेक्स उसमें इस्तेमाल की थी, उसमें जो टॉन्कीनेस जो फैलती है शुरू में वो सारे स्टायरेक्स का कमाल है। और इन बल्सामों को, सॉरी ये आपके लिए नहीं है, बत्ती वाले भाइयों के लिए, स्प्रे वाले भाइयों के लिए बोल रहा हूँ, इन बल्सामों को गलाने के लिए बेंजाइल बेंजोएट इस्तेमाल कीजिए हमेशा, बेंजाइल बेंजोएट बल्सामों के लिए गलाने के लिए, वरना देखिए डीईपी में, बत्ती वाले भाई तो डीईपी को जानते होंगे के, लेकिन बेंजाइल बेंजोएट गला देगा ये सारी चीज़ों को। लेकिन स्टायरेक्स का एक बहुत ही गमी 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 किसको कहते हैं, जैसे कि आप पहली बार सूंघेंगे तो बोलेंगे अरे यार ये तो कोई इंडस्ट्रियल गम के जैसी इसकी खुशबू आ रही, लेकिन एक बहुत ही वार्म कैरेक्टर उसका, आपको बहुत डीपली टच करेगा। इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत बढ़िया, इनका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है कार्बन स्ट्रक्चर, बल्साम्स यानी कि ये सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड टाइप की चीज़ें होती, तो बहुत ही गमी और इंटेंस कैरेक्टर जो होता है, और खास तौर पर इसको आप ईवी से मिलाकर रूप दे सकते हैं संदल का, इसको क्लोव ऑयल के साथ अंबर का रूप दे सकते हैं, आपने समझा, बहुत बढ़िया मटेरियल होता है स्टायरेक्स। ये नंबर फोर पे, अब दो बालसमों की बात जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हम क्लासिक बालसमों की बात कर रहे हैं, पेरू और टोलू, पेरू बालसम, टोलू बालसम। पेरू में ओरिजिनल कैरेक्टर होता है खटास का दोस्तों, इसीलिए इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका मॉलिक्यूल जो मार्केट में मिलता है उसको कहते हैं सिनेमिल अल्कोहल, और इसमें मिठास थोड़ी सी आ जाती है, लेकिन कैरेक्टर थोड़ी सी मिठास आती है, लेकिन ओरिजिनल कैरेक्टर इनका होता है खटास का, तो इनकी क्वांटिटी पर बहुत ध्यान देना पड़ता है आपको। सिनेमिल अल्कोहल मतलब एक आध ग्राम में सारा कॉम्पोजिशन ख़राब कर देगा, कभी कभी उन उस टाइप की चीज़ें
केयरफुल रहना पड़ता है, वरना इसका कैरेक्टर बहुत ही वार्म और खटास वाला। दोस्तों आपने समझा, कैसे कहते हैं उसको, कि कोई चीज़ एक तरीके से ना स्वीट है ना सावर है, सावर ज़्यादा है लेकिन उसकी शक्ल ओरिजिनली एक सिट्रसी खटास वाली होती है। ये बहुत प्यारा काम करती है पेरू बालसम। और टोलू जहाँ पे आ जाती है, ये हनी के जैसी थिक स्वीटनेस वाली चीज होती है, पेरू की अलग वाली टोलू बालसम। ये एक हनी के जैसी, हनी नहीं, हनी की बात नहीं कर रहा हूँ, हनी के जैसे टोलू को बना सकते हैं हम, लेकिन टोलू के दूसरे बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं थिक। ये एक्सप्लेनेशंस को ज़रा याद रखेंगे, टोलू का कैरेक्टर होता है थिक। थिक यानी कि रेजिनस, रेजिन, रेजिन का कैरेक्टर, रेजिन जैसे छाड़ में से जो रेजिन टपकता है उसका बहुत थिक कैरेक्टर होता है, इंटेंसली शहद के जैसे मीठे चीज उसमें से कैरेक्टर होता है तोलू बालसम का। आपने समझा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ों को समझाना उतना आसान नहीं होता, तो मैं मेरी तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। तो पेरू हो गया, तोलू हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हम हमारी पहली क्लास ख़त्म करते हैं। अब कल की क्लास में कोई दूसरी चीज़ें भी बताएंगे, बालसम जो थोड़े नए बालसम हैं उनकी भी बात करेंगे, और दूसरे मॉलिक्यूल्स की भी बात करेंगे, वो शायद थर्ड क्लास में। थोड़ी चीज़ें तो बहुत तेज़ होती हैं और बत्ती पे अच्छी बैठती हैं, आजकल नई चीज़ें जो मार्केट में आ रही हैं, तो उन सब चीज़ों की भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको कल की क्लास में मिलता हूँ, जब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ सेल्फ, बाय बाय।